साहू की रिपोर्ट, ACN 24। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों आरक्षण को लेकर किए गए बंद के दौरान मुंगेली जिला पंचायत के सभापति व महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष जागेश्वरी घनश्याम वर्मा ने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर स्वर्ण समाज बेहद नाराज है। वहीं इस विवादित बयान को लेकर जिले के अलग अलग थाने में जागेश्वरी वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों आरक्षण को लेकर किए गए बंद के दौरान मुंगेली जिला पंचायत की सभापति व महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष जागेश्वरी घनश्याम वर्मा ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से स्वर्ण समाज बेहद नाराज है, जिसे लेकर शनिवार को स्वर्ण समाज व कई संगठन ने जिले के अलग अलग थाने में जागेश्वरी वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल बीते 13 नवंबर को जागेश्वरी वर्मा ने आरक्षण को लेकर बुलाए बंद के दौरान पथरिया इलाके में एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें जागेश्वरी ने स्वर्ण समाज और हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। विवादित भाषण का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पूरे जिले भर में स्वर्ण समाज आंदोलन की तैयारी में है। मामले को लेकर कांग्रेसी नेत्री के खिलाफ जिले में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद स्वर्ण समाज के नेता लामबंद होने लगे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार PCC चीफ मोहन मरकाम तक मामले की शिकायत पहुंच गई है। इस मामले में प्रदेश हाई कमान कभी भी कांग्रेस नेत्री को तलब कर सकते हैं। वहीं स्वर्ण समाज के लोगों ने AICC की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखकर कांग्रेस नेत्री जागेश्वरी घनश्याम वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा जागेश्वरी के खिलाफ थाने में भी शिकायत पहुंच गई है। स्वर्ण समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर जागेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होगा। 13 नवंबर को जो जागेश्वरी वर्मा जी हैं, उसने हमारी देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द उपयोग किए हैं, उसके खिलाफ में हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देवी देवता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक शब्द कोई ना बोले। इससे हमारे सभी हिंदू समाज में देवी देवताओं को मानने वाले लोग बहुत क्रोधित हैं और ऐसे वक्तव्य कोई ना करें जिससे हमारे भावनाओं का हाथ पहुंचे। इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हमारे सभी संगठन के लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। 13 नवंबर को जिला पंचायत सदस्य सम्मानी जागेश्वरी वर्मा द्वारा धार्मिक उन्माद कराने से जो बातें कही गई है, इससे पूरा हिंदू समाज में आक्रोश है। उन्होंने देवी देवताओं, ब्राह्मण समाज एवं लोगों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इससे यहाँ का माहौल खराब होगा, क्योंकि मुंगेली का माहौल बहुत अच्छा है। सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। अगर इस प्रकार की घटना पर कार्रवाई नहीं होगी तो सभी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी ताकत में आज नगर निरीक्षक को विभिन्न हिंदू संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर उचित कार्रवाई करने का उनके द्वारा भरोसा दिलाया गया है। मामला दर्ज नहीं हुआ है, इसमें भी विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें एक ज्ञापन सौंपा गया है थाने में। किस संबंध में है ये? कुछ धार्मिक भावनाओं को लेकर के है, उसमें जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी। किसके लिए है? जिला पंचायत सभापति। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ACN 24।